आज की इस वीडियो में हम आप सभी के सामने लेकर के आए हैं टाइम टेबल फॉर बोर्ड स्टूडेंट। और ये जो आपका वीडियो है ये अंडर 10 स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम टेबल है, ठीक है, जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट आ रहा होगा मिनिमम इनपुट के साथ, मतलब मिनिमम एफर्ट के साथ आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल करके आ रहा होगा। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना है, आपको 15 से 16 घंटा पढ़ना है, 18 घंटा पढ़ना है, इतना मैं नहीं बोलूंगा। बस यहाँ पर जो हमारे हिसाब से, जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो टाइम टेबल होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है, छोटे छोटे स्लॉट का टाइम टेबल, थोड़ा सा समय हम मॉर्निंग में निकाल लेंगे, थोड़ा सा समय हम लोग इवनिंग में निकाल लेंगे, थोड़ा सा समय मतलब जिस समय में इंसान कुछ कर रहा होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि मॉर्निंग में सोए रह जाते हैं, ठीक है, तो वो सब छोटे छोटे टाइम को निकाल करके हम लोग एक अच्छा आउटपुट लेकर के आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टाइम टेबल के बारे में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके का टाइम टेबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली आपको टाइम के द्वारा हम आपको फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी, अपने कोचिंग के हिसाब से, अपने स्कूल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इधर उधर ला सकते हैं। लेकिन एक हम आपको स्ट्रक्चर इसमें बता रहे होंगे कि आपको एक्चुअली किस टाइप का जो है टाइम टेबल अपनी लाइफ में रखना है, ठीक है, जब आप अंडर 10 के अंदर होते हो। तो सबसे पहला बात यह है कि हमारा एक्चुअली अंडर 10 के अंदर जब होते हैं, ठीक है, या फिर स्पेशली देखो 10th वाले बच्चे, तो स्पेशली एम क्या होता है कि मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया जाए, कब तक, अप टू नवंबर तक, ठीक है, मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया जाए अप टू नवंबर तक। जितने सीबीएसई वाले बच्चे हों, वो चाहे 10th वाले हों या फिर 12th वाले बच्चे हों, दोनों ही बच्चे चाह रहे होंगे कि नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद बचे हुआ जो समय है उसमें हम लोग प्री बोर्ड प्लस रिविजन सब कुछ हम लोग कर ले, किसके बचे हुए 3 मंथ्स में। अब प्री बोर्ड के साथ साथ आपको अगर प्री बोर्ड नहीं हो रहा है तो प्री पेपर आप लोग खुद से लगा सकते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, साथ ही साथ आप रिविजन कर सकते हो। तब जाकर के इतना सीट करने के बाद, ठीक है, आपके अंदर फिर वो टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, अब हम इजिली 95+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देखो किस किस तरीके से मैंने स्लॉट में बांटा है टाइम को। देखो सबसे पहले जिस समय मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम किसी भी तरीके से आप 1.5 आवर से लेकर के 2 आवर तक निकाल लो, ठीक है, बहुत सारा चीज जो होता है जो हमें याद करना होता है, ठीक है, एकदम उसको रटना है, मतलब रटना है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो उस समय में वो वाले समय जो होता है वो मॉर्निंग का समय आप निकालो, या तो आपको मन है तो 4 से 6 में निकाल लो, ठीक है, अगर किसी का थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी है तो 5 से 7 में निकाल लो, ठीक है, अगर कोई 4.5 से 6 में निकालना चाहता है तो उस समय निकाल लो, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से आप 1.5 आवर से लेकर के 2 आवर तक आप निकाल लो, ठीक है, किस चीज के लिए, तो रिमेम्बर करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को याद करने के लिए, ठीक है। अब 8 से 2 में, 8 बजे से और 2 बजे के बीच में मैक्सिमम बच्चों का स्कूल टाइम होता है। अब इतनी भी किसी किसी का फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है कि किसी का 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक है, ठीक है, किसी का 10 से लेकर के 4 बजे है, ठीक है, एक्चुअली जब गवर्नमेंट स्कूल जो होता है वो 10 से 4 चलता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप टाइम को इधर उधर थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन एक जो प्रॉपर बोलता है ढांचा, ठीक है, स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो स्कूल टाइम आपका 8 AM से 2 PM हो गया, ठीक है, अब 2 PM से लेकर के 4 PM के बीच में आप घर आते हो, घर में खाना पीना खाते हो, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करना है रेस्ट कर लेते हो, उसके बाद मैक्सिमम बच्चे जो है आज के समय में कोचिंग जाते हैं, अगर कोचिंग नहीं जाते तो वो ऑनलाइन कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पर वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे ऑनलाइन में अगर पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ समय देना होता है, ठीक है, अब वो टाइम कभी कभी रात का भी समय हो जाता है, कभी कभी दिन का भी समय हो जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटा किस पर, कोचिंग पर आप बिताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 से 7 में फिर से मैंने गैप दिया, ये गैप किस लिए दिया, कोचिंग से घर आने के लिए, या फिर घर में कोचिंग कर रहे हो तो रिलैक्स लेने के लिए, और घर में जब कोचिंग करता है तो इंसान कभी कभी 3 3 आवर कभी करता है, ठीक है, तो उन सारे चीज के लिए रिलैक्स यहाँ पर दिया गया है, वह ठीक है। तो ये हो गया कोचिंग टाइम। अब उसके बाद बात करते हैं, अब देखो कितना भी आप स्कूल चल जाओ, कोचिंग चल जाओ, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तब तक आपको, ठीक है, जो जो भी चीज पढ़ाया गया है, ठीक है, या जो भी चीज आपने पढ़ा है उसको आप रिमेम्बर नहीं करते हो, मतलब उसको वापस से रिवाइज नहीं कर सकते हो, करते हो तो कहीं ना कहीं आप में, ठीक है, जो आउटपुट जो निकलना चाहिए वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, वो 50% तक डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैथ्स का कोई एक क्वेश्चन कराया गया मुझे क्लास में, अब ऐसा तो है नहीं कि क्लास के अंदर मैथ्स का पूरा एक एक्सरसाइज ही करा दिया जाएगा,
तो आपको घर पर आकर के फिर उस एक्सरसाइज को भी तो करना है, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस भी तो करना है, ठीक है, या फिर साइंस का कोई क्वेश्चन कराया गया उसको आकर के घर में प्रैक्टिस तो करना है, एक बार देखना तो है, या फिर कोई प्रूफ कराया गया थ्योरम को, ठीक है, उसको आकर के इधर रिवाइज तो करना है। तो उस चीज के लिए ये वाला टाइम है, देखो यहाँ पे लिखा गया है मैथ प्रैक्टिस प्लस रिटेन टेस्ट, ये सब चार चीज के लिए आपका 7 PM से 9 PM है, ठीक है। अब देखो कई सारे बच्चे ये बोलते होंगे कि सर ये 2 आवर में हम पूरे के पूरे 6 से 7 सब्जेक्ट को हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं। तो देखो बच्चा, अगर आप इसको रूटीन वाइज अगर आप बना लेते तो ठीक है, अगर नहीं बना पाते हो ठीक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, ताकि मैं उसकी भी रूटीन एक बार मैं आपको शेयर कर सकूं कि किस तरीके से आपको मैनेज करना होता है। देखो ये मत बोलना कि सिर्फ 2 आवर पढ़ने बोले, 2 आवर इधर है ठीक है, 2 आवर इधर है, टोटल 4 आवर हो गया, ठीक है, कोचिंग भी तो जा रहे हो वो भी 2 आवर हुआ, 4 to 6 आवर हो गया, ठीक है, और ये वाला तो आपका एकदम एज ए कैजुअल निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला चीज एकदम मस्ट करना, एकदम जरूरी है, सेल्फ एवेल्यूशन लाना एकदम जरूरी है अपने रूटीन के अंदर, ताकि उससे पता चल पाए कि क्या मेरा जो आज का एम था वो सारा मैंने एम कंप्लीट कर पाया या नहीं कर पाया। अगर नहीं कर पाया तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहां पर आता है, ठीक है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको सेल्फ एवेल्यूशन एकदम 15 मिनट 30 मिनट का आप ले लो, एकदम जरूरी लो, ठीक है। अब ये 9:30 बजे आप जाकर के उसके बाद डिनर कर लो, ठीक है, और डिनर करके आप 10:30 तक, ठीक है, 10:30 या मैच टू मैच 11 PM तक आप जाकर के सो जाओ, ठीक है। तो ये रूटीन एक्चुअली आपका होना चाहिए एकदम 11 PM पर जाकर के, एनी हाउ आप जाकर के, ठीक है, बेड पर चले जाओ, ठीक है, तभी जाकर के ये मॉर्निंग वाले समय पर उठ आओ, ठीक है। रात में बहुत देर तक हमें जगने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, मॉर्निंग में जब आप उठते हो उस समय में ना आपके दिमाग में कोई टेंशन होता है, ना ही किसी टाइप का डिस्टरबेंस होता है, उस समय में जो चीज को आप याद करते हो ना वो चीज एकदम लाइफ टाइम तक आप कभी भूल नहीं पाओगे। देखो तो हमारे समय में क्या था कि जिस समय हम पढ़ते थे मेरे पापा जी सुबह सुबह मेरे को, ठीक है, उठा देते थे, और एनी हाउ हमको 4 से 6 में पढ़ना होता था। अब 4 से 6 में हम पढ़ते क्या थे, तो 4 से 6 में बस हम क्या करते थे, जैसे हमारा जो कॉपी बनता है, फिर कॉपी जो बनता है, ठीक है, जिसके अंदर नोट्स लिखा हुआ होता है, ठीक है, उस नोट्स को हम क्या करते थे, सिर्फ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रट जाते थे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रट जाते थे। और ये काम हम क्लास के फर्स्ट डे से करना स्टार्ट करते, सेशन के फर्स्ट डे से। इससे क्या होता था कि फर्स्ट डे मैंने देखो थोड़ा सा बोझ कम होता है, एकदम 1-2 पेज होता है उसको मैंने रट लिया, ठीक है। अब अगले दिन जब पढ़ेंगे ना तो उसी चीज को पढ़ने में हमको समय कम देना, अगर उस समय आधा घंटा लगाया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगेगा, उसके अगले दिन और जाओगे फिर और 2 मिनट कम जाएगा, अगले दिन जाओगे फिर 2 मिनट कम जाएगा, मतलब इस तरीके से मेरे को याद हो गया था ना कि कभी कभी होता है ना कि सुबह सुबह उठा दिया जाता है, नींद पूरा नहीं होता है तो इंसान को नींद आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमको ठंडे के समय में जब नींद आ रहा था तो भी हम देखते थे कि पढ़ते पढ़ते आंख मेरा बंद है लेकिन मेरा मुंह जुबान ऑटोमेटिक चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को एकदम याद रखना है कि नोट का एक भी पॉइंट अगर कहीं से पूछ दिया जाए तो गलती से भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये था हमारा रूटीन, आई होप सारे बच्चे को समझ में आया होगा, ठीक है, सारे बच्चे को अच्छा लगा होगा। मैं आपका अपना बड़ा भाई की तरह मैं आपको गाइड करने के लिए आया, ठीक है, तो कैसा लगा उसके हिसाब से आप क्लियरली कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और एक लाइक, एक शेयर हमको काफी मोटिवेट करता है। तो इसी टाइप के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ शेयर जरूर करना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो इसी तरीके से, मचाते रहो, बाय बाय एवरीवन।